साल रफ्तार से जो करिश्मा उमरान मलिक ने आईपीएल में कर दिखाया था, वही अब टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हैरिस रऊफ ने किया है। 29 अक्टूबर को अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में रऊफ ने 153 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गेंद फेंकी। ये इस टी20 वर्ल्ड कप की सबसे तेज गेंद है। रऊफ ने ये गेंद फेंककर साउथ अफ्रीका के एनरिक नॉर्जे की बराबरी की। नॉर्जे भी इसी वर्ल्ड कप में 153 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंक चुके हैं। टी20 वर्ल्ड कप से पहले दुबई में ही खेले गए आईपीएल के लिए एक मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद की ओर से खेलते हुए उमरान मलिक ने भी 153 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंककर सबको चौंका दिया था। जम्मू और कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले 21 साल के उमरान इस वक्त दुबई में ही मौजूद हैं और नेट बॉलर के तौर पर टीम इंडिया की मदद कर रहे हैं। वहीं हैरिस रऊफ ने 29 अक्टूबर को अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में अपने पहले ही ओवर में बैट्समैन करीम जन्नत को 153 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यॉर्कर डाली। जन्नत बल्ला लगाकर किसी तरह इस गेंद को डिफेंड करने में कामयाब रहे। इसी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के शाहीन शाह अफरीदी ने दूसरी सबसे तेज गेंद 151 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से फेंकी है। अब बात करते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज गेंद फेंकने वाले बॉलर्स की। याद कीजिए 70 और 80 का दशक, जब पूरा स्टेडियम टोमो टोमो की आवाज से गूंज रहा होता था और उसके बीच ऑस्ट्रेलियाई फास्ट बॉलर जेफ थॉम्सन की तूफानी गेंदों का सामना करते वक्त बैट्समैन की रूह कांप जाती थी। 165 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रफ्तार तक पहुंचने वाले थॉम्सन को दुनिया का अब तक का सबसे तूफानी बॉलर माना जाता है। हालांकि इंटरनेशनल क्रिकेट में रिकॉर्ड्स में थॉम्सन के नाम सबसे तेज गेंद 160.4 किलोमीटर प्रति घंटा की है, जो इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास की चौथी सबसे तेज गेंद है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के मुताबिक इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज गेंद फेंकने का रिकॉर्ड पाकिस्तान के शोएब अख्तर का है। उन्होंने 2003 में वर्ल्ड कप मैच के दौरान इंग्लैंड के खिलाफ 161.3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गेंद डाली थी। दूसरे नंबर पर तेज गेंद फेंकने वाले ऑस्ट्रेलिया के ब्रैटली हैं। इनके नाम 161.1 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गेंद फेंकने का रिकॉर्ड है। तीसरे नंबर पर भी ऑस्ट्रेलिया के शॉन टेट हैं, जिन्होंने अपनी सबसे तेज गेंद 160.7 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से फेंकी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, देशनामा। आपको ये वीडियो कैसा लगा, या अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।